तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि जामिया के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको जामिया में एडमिशन मिलने वाला है, क्या आपको CUET का फॉर्म केवल आपको CUET का ही फॉर्म फिल करना है या फिर आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा जामिया का, किस तरीके से जामिया ने इस बार अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है वो रखा है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि काफ़ी जो स्टूडेंट है वो ये पूछ रहे हैं कि सर हमें अभी नहीं आइडिया है, जामिया की वेबसाइट पर जा रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोर्स एड नहीं हो रहा है, एड हो रहा है तो पैसे ले रहे, क्या ये सिस्टम है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको काफी अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, तो बस आपको करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की जो वीडियोज है हम लोग आपके लिए आगे भी बनाते रहे गाइस। ओके, तो अब देखिए जामिया क्या है कि CUET के अंदर आपको पता है कि इंक्लूड हुआ है UG के जो कोर्स है उनके लिए, लेकिन जामिया के कुछ पर्टिकुलर कोर्स है यानी कि कुछ ही ऐसे कोर्स है जिनके अंदर जामिया शामिल हुआ है, सभी कोर्स के अंदर जामिया शामिल नहीं हुआ है। जैसे कि हिंदी का कोर्स आ गया आपका, संस्कृत का आ गया, और अगर लैंग्वेज की अलग बात करूं जो फॉरेन लैंग्वेज है तो इसमें आपका फ्रेंच आ गया और स्पेनिश आपका आ गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ओके, ये कुछ ऐसे कोर्स है, लगभग इसमें 10 कोर्स है जिनके लिए जामिया CUET के अंदर शामिल हो रहा है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, यानी कि आपको CUET का फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, मिल गया, उसके बाद आपको जामिया की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करना है। ये रहा जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहां से आपको जामिया का फॉर्म फिर से फिल करना है, क्लिक है टू अप्लाई UGPG। ओके, यहां से आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है जामिया का जो फॉर्म है यहाँ पे फिल करना है। अब आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे उन्हीं कोर्स के लिए, ये जो कोर्स मैंने अभी आपको बताया जिनके थ्रू जो है आपका आपका जो एडमिशन है वो CUET के थ्रू जिनका हो रहा है, ये जो कोर्स है, अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में अप्लाई करे हो तो आपको जामिया की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके यहां से जो है आपको इसका जामिया का फॉर्म फिल करना होगा। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है कि जब जामिया का फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे आप जब एक कोर्स ले लिया यानी कि एक लैंग्वेज आपने ले लिया तो उसके बाद आप उसका जो प्रोसेस है यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिटेल है, फोटो, सिग्नेचर और भी जो डिटेल मांगता है वो सब कुछ आप जब फिल कर देंगे उसके बाद आप फिर से जब डैशबोर्ड पे आते हो तो वहां पे कोर्स ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो आप जो है कोर्स ऐड कर सकते हो। बट गाइज मुझे जो है यहाँ पे जो चीज पसंद नहीं आई वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपने यहाँ पे CUET का फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, CUET की जो वेबसाइट है उस पर आपने यहाँ पे फॉर्म फिल करा, इसकी फीस आपकी अलग लगी। अब जामिया वाले क्या कर रहे हैं कि जब आप जामिया का फॉर्म फिल करेंगे तो हर लैंग्वेज के अनुसार, हर कोर्स के अकॉर्डिंग जामिया की फीस लगती है। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 2 लैंग्वेज ली तो अब जब जामिया का फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे तो वहां पे और आपकी फीस लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका CUET हो रहा है इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, जब गवर्नमेंट ने कहा कि इतनी सारी यूनिवर्सिटी के लिए आपको एक ही फॉर्म फिल करना होगा, उसमें बच्चों की जो है फीस भी बच जाएगी, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए जो अलग अलग फीस लगती थी उससे स्टूडेंट को राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आज जामिया यहाँ पे फीस मांग रहा है, कल को जो है और यूनिवर्सिटी भी मांग लेगी, तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है। जब आपको करना ही था तो क्यों आपने ये CUET का फॉर्म फिल करवाया।